Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. Students, chemistry 9th class में बेटा हम लोगों ने chapter number 7 की revision में जो topic previous lectures में discuss किए उसमें oxidation, reduction, reactions, oxidizing and reducing agents and oxidation state and rules for assigning the oxidation states, ये सब topics हमने बड़े जो है वो detail से discuss किए. Chemistry 9th class में आज जो topic हम discuss करने जा रहे हैं that is कोएंट. Students, कोएंट क्या है? जो basically एक अगर हम आम वर्ड में इसको देखें तो जंग, जो बेसिकली मेटल्स को जो जंग लगने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली है क्रोयन. ठीक है, सो क्रोयन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द सराउंडिंग मीडियम. कि ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है, बट कंटिन्यूस जो है वो प्रोसेस है जिसमें जो है वो मेटल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. और बिल्कुल ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं बेटा. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हमने ये चीज़ बड़ी डिटेल से डिस्कस की कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हों तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. कि एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं दोनों, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है. तो इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोयन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. अब बेटा दो मेन कंडीशंस हैं, ठीक है, कि ये कब होता है? जब एयर और मॉइस्चर मौजूद हो. ठीक है, तो जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो होता है. तो क्रोयन जो है बेसिकली बेटा वो एक जनरल टर्म है. तमाम मेटल्स को जो जंग लग जाता है तो उस के जो प्रोसेस है उसको कहते हैं क्रोयन. तो आयरन को जब जंग लगता है, आयरन के क्रोयन को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, तो क्रोयन जो है वो एक जनरल टर्म है तमाम मेटल्स को जो जंग लगने है किस तरह से. तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मतलब क्रोयन ऑफ आयरन जो स्पेसिफिक है वो है आयरन के लिए. क्रोयन वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन में हम डिस्कस करते हैं कि क्रोयन इज अ जनरल टर्म बट क्रोयन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. द इम्पोर्टेंट कंडीशन, जो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं रस्टिंग के लिए, वो है हमारे पास मॉइस्ट एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट एंड देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर आर एयर फ्री ऑफ वाटर्स. अगर मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो क्रोयन का प्रोसेस नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी. बेटा एक इसके लिए जो मेन कंडीशंस हैं वो मैंने बता दिया है कि एयर है और मॉइस्चर है. ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है वो स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन. वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं साइट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्रोयन के लिए. अब क्या होता है कि जिस जगह पे डेंट या स्टेन्स होते हैं वहां पर एनोड बन जाता है. ठीक है, और एनोड पे वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन बताई हुई है कि आयरन है तो एक आयरन का जो है एटम वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो दो है तो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो लूज हुए हैं और इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म हुआ है. तो जहाँ पर डेंट्स या स्टेन्स होंगे वहाँ पर एनोड की हो जाएगा, एनोड पे वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. और हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो लूज होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हुए हैं. लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैमेज द ऑब्जेक्ट्स. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर वो आयरन शीट के अंदर मूव करते हैं एंड रीच द रीजन रिलेटिवली हाई ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन नियर द सर्फेस सराउंडेड बाई वाटर लेयर. जहाँ पर वहाँ पर वाटर ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ पर
ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं ये आयरन शीट में, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाटर जो है वो लेयर जो ज्यादा हो जाए वहां पर कैथोड की फॉर्मेशन हो जाती है। जिस तरह से याद देखें, ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन आइंस और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब देखें, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है तो वो हाइड्रोजन आइंस बन देता है, तो 4 हाइड्रोजन है ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पास आ गए चारों के पास, तो 2 वाटर जो है वो 4 एटम्स बन गए ना दोबारा से, तो 2H2 4, 2 2s 4 जो है वो हमारे पास हो गए हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन आइंस आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से, अब ये हाइड्रोजन आइंस कहाँ से प्रोवाइड हुए? कार्बोनिक एसिड विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, दैट इज वाई एसिडिक मीडियम एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, द ओवरऑल रिडॉक्स प्रोसेस इज कम्प्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। फेरिक है ऑक्सीजन आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आइंस, आयरन ने लूज की इलेक्ट्रॉन्स और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है वो फॉर्मेशन हुई। तो आयरन स्प्रेड्स थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म द सॉल्ट और विच इज कॉल्ड रस्ट। फेरिक ऑक्साइड्स और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स, द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस, मतलब वहां पे पोर्स होते हैं, डज नॉट प्रिवेंट फर्दर क्रोयन, और मजीद क्रोयन से उसको नहीं बचा सकते, दस रस्टिंग कंटिन्यू until the whole piece of iron is eaten away। स्टूडेंट्स, ये तो था क्रोयन के क्या है कंडीशंस हमने डिस्कस की, कि डेंट्स और स्टेन्स वगैरह और एयर मॉइस्चर, फिर किस तरह से अगर डेंट और स्टेन है वहाँ पर एनोड रीजन बनता है और ऑक्सीडेशन होती है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन शीट पे मूव करते हैं, और जहाँ पर कैथोड ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हाई मिलती है वहाँ पर कैथोड रीजन बनता है, और इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करता है, और ये क्रोयन का प्रोसेस होता है। होपफुली आपको क्रोयन का प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर और स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बहुत अच्छे से इक्वेशंस के साथ जो है वो प्रिपेयर करना है। अगर फिर भी आप किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें, क्लियर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।